सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलाइट मोशन एप्लीकेशन के एरर के बारे में। अगर आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और जब आप किसी फाइल को इंपोर्ट करने का ट्राई करते हैं तो इंपोर्ट करते टाइम आपको ये एरर आ जाता है। किसी भी फाइल को आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं लाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको करना क्या है इस एरर को दूर करने के लिए, आज की वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एरर आया जब फाइल को इंपोर्ट कर रहे थे। इंपोर्टेड इंपोर्ट फेल, रीज़न बताया हुआ है, प्लीज़ साइन इन टू योर डाउनलोड द प्रोजेक्ट। और लोगों को समझ भी नहीं आता है, कुछ यहाँ पर एरर भी लिखा हुआ है कि ये एरर है और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि करना क्या है, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पर अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता है। दोस्तों, चलिए मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा इसका सोल्यूशन यहाँ पर। तो चलिए जान लेते हैं हमें सबसे पहले क्या करना होगा। छोटा सा काम है गाइस, सब चलिए चलते हैं अपने लाइट मोशन एप्लीकेशन के अंदर। ये है एप्लीकेशन, इसको ओपन करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको सेम एज इट इज़ काम करना होगा और ये आपकी जो प्रॉब्लम है 101% ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर ये ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देख सकते हैं ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, कुछ इस तरह से आपके सामने आएगी। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर प्रोफाइल दिख रहा है, प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे साइन इन दिख रहा है, साइन इन पर क्लिक करिए। साइन इन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, साइन इन विद ईमेल विद गूगल एंड फेसबुक। आप किसी से भी ट्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर गूगल के थ्रू करता हूँ साइन इन। यहाँ पर बीच वाले पर मैंने क्लिक कर दिया साइन इन विद गूगल। अब यहाँ पर जितनी भी आपकी गूगल आईडी होंगी सब निकल कर आ जाएंगी, आप उनमें से एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरी आईडी आते ही देख सकते हैं मेरी आईडीज़ वगैरह आ चुकी हैं। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी आईडी को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर ये आईडी मैंने सिलेक्ट कर ली है, गूगल गूगल के थ्रू मैंने साइन इन किया है। देखते हैं यहाँ पर होता है नहीं, यहाँ पर प्रॉपर साइन इन हो चुका है देख सकते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आप अब इंपोर्ट करेंगे फाइल वगैरह इजीली इंपोर्ट कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए कोई सोल्यूशन लेकर आऊँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।